और बस इसमें पानी डालना है। और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे चाय, रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो गाइस खाना बन के हो चुका है रेडी, और बाहर से थोड़ा सा खंडर है लेकिन अंदर से सुंदर है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोशन भारती। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग गुड। तो गाइस अभी हूं मैं बेगूसराय में अपने पापा के सरकारी आवास पे, और आज है न्यू ईयर। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं, बट पापा जो है हमारे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, और जिसके वजह से पापा का मीटिंग जो है वो न्यू ईयर के दिन ही आ गया है। और आज जो है ड्राइवर लोगों का जो है आज हड़ताल चल रहा था, कुछ पॉलिसी वगैरह पास हुआ है जिसकी वजह से ड्राइवर मिलना मुश्किल हो रहा था। तो मैं पापा को लेकर बेगूसराय आ गया, और जब मैं बेगूसराय आ गया हूँ तो पापा चले गए मीटिंग में। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करूँ। तो मेरे साथ मेरा भांजा है जिसको मैं मुजफ्फरपुर से लेकर आया हूँ अपने साथ। तो हम लोग का प्लान है कि इसी आवास पे जो है हम लोग पिकनिक बनाएं, और देसी भाषा में बोले तो वनभोज करें। तो अंदर में जो है वो गैस सिलेंडर से, तो प्लान था हम लोगों का कि लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पे और उसके ऊपर कैंपिंग टाइप का खाना वगैरह बनाएं, बट यहाँ पे लकड़ी वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे तो जंगल ही है सब, थोड़ा सा चुन चान करेंगे तो, लेकिन बाहर निकल के चुन चान करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग का प्लान है कि बाहर हम लोग अंदर से गैस सिलेंडर लेकर आए और यहाँ पे जो है खाना बनाए, और खाना बनाने के क्रम में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पकवान हम लोग बनाने वाले हैं। वैसे तो बैचलर लोग काफ़ी कुछ अच्छा बना सकते हैं हम लोग, और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो कि है अंदर में किचन में जो सामान उसी में हम लोग कुछ अच्छा बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो बने रहे हमारे इस ब्लॉग में गाइस। ये सरकारी आवास का किचन है, और ये मतलब मेरे पापा यहाँ पे, क्योंकि पापा होटल वगैरह में नहीं खाते हैं तो मेड वगैरह आती है, तो इसी पे खाना वगैरह बनाती है, या कभी मम्मी वगैरह आ गई तो ये जो है हम लोग लेकर चलते हैं बाहर, उठाते हैं इसको। हम चेक करो कितना भारी है, भारी है, ठीक है फिर तो हम लोग चलते हैं इसको बाहर लेके। अब सो गाइस हम लोग का सेटअप जो है वो रेडी हो गया ऑलमोस्ट, और अब जो है सिर्फ बर्तन देखना है और खाने का सामान देखना है कि हम लोग क्या क्या बनाए। और ऊपर देख सकते हैं काफी शानदार नजारा है ये, और बगल में यहाँ पे पाइप वगैरह का व्यवस्था है। यार सरकारी आवास काफी सुंदर होता है, थोड़ा सा हॉन्टेड लगता है सरकारी आवास, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफी सही होता है। सो गाइस कुछ बनाने से पहले जो है मुंह मीठा किया जाए, और मुंह मीठा करने के लिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे चाय, और चाय का सेटअप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और जैसे कि आप लोग ऊपर का नजारा देख सकते हो काफी शानदार है। यार गांव की बात ही अलग होती है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर वो जिसमें लकड़ी डाल के खाना बनाते हैं वो मिल जाता तो उसकी बात ही कुछ अलग होती। खैर हमने जो है चाय के लिए जो है दूध गर्म अभी कर रहा हूँ। गाइस तो चाय जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और इस साइड जो है हमने दाल लगा दिया है, तो चाय पीते हैं, दाल हो गया, उसके बाद बनाएंगे चावल। और चावल के बाद हम लोग का प्लान क्या है, चावल के बाद बनाते हैं हम लोग पकौड़ा। तो आप लोगों को सारी चीजों को अपडेट करते हैं, बन रहे हमारे इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट गाइस तो अब जो है हम लोग पकौड़ा छानने के लिए जा रहे हैं, और पकौड़ा के लिए जो है हमने ये रेसिपी वगैरह ऐड कर दिया है, और बस इसमें पानी डालना है, और हम लोग दाल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ऑलराइट गाइस तो हमारा जो है वो पकौड़ा कट के रेडी है, और बेसन भी जो है हमने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, और कढ़ाई जो है हमने चढ़ा दिया है, और अब बस हम लोग मिलके जो है इसको बनाएंगे और दिखाते हैं आपको और टेस्ट करवाते हैं थोड़ी देर में आप सभी को। सो गाइस तेल जो है हमने डाल दिया है, और चावल जो है हमने चढ़ा दिया है, बाकी उधर राहुल जो है वो पकौड़ा को साफ कर रहा है, और अब जो है पकौड़ा छानने का टाइम आ गया है। काफी लोग जो है हमारे ब्लॉग का मजा ले रहे हैं, और अभी तक आप लोग ब्लॉग में बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बने रहिए, काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हम लोग देसी मास्टर शेफ है, और इधर हमारा सेटअप कुछ ऐसा है। गाइस पकौड़ा भी साफ हो चुका है, और साफ हो के आ चुका है, बस इसको डालना है और पकाना है।
राहुल जी हाथ तो धोए हुए आप? बस बेसन को डालिए, हम छानते हैं। छान के इसी पे रखा जाएगा। शाबाश। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम लोग का पकौड़ी छाना शुरू हो गया है और हम लोग कुछ दिन के बाद जो ठेला लगाने वाले हैं मामा भगना पकौड़ी स्टोर। तो गाइस पकौड़ा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और सारा क्रेडिट जो है वो राहुल जी को जाता है, हमारे मास्टर शेफ। बाकी इधर मौसम जो है काफी शानदार है, फर्स्ट ईयर का नज़ारा, मतलब न्यू ईयर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस जैसा देख सकते हैं आप लोग, हम लोग का पकौड़ा हो चुका है रेडी और अब दाल छौंकने के लिए चढ़ा दिए हुए इसको, और एक पकौड़ा यहाँ पे है। चलिए पहले दाल छौंकते हैं। तड़का लगा देते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में, अब आएगा ना मजा। और गाइस देसी सलाद जो है हमारा प्याज से रेडी होने वाला है। तो गाइस खाना बन के हो चुका है रेडी और दिखाते हैं आपको खाना का थाली सजाकर, और न्यू ईयर में इससे बढ़िया चीज क्या ही हो सकता है। और हम जो है वो देसी आदमी है तो हमारा जो मतलब पार्टी करने का जो तरीका होता है वो देसी तरीका होता है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम लोग खाना भी निकालने जा रहे हैं और खाते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो सलाद जो है हमारा कट के हो चुका है रेडी और खाना जो है अब निकल रहा है, और ठंड जो है काफी ज्यादा है इस बार। अभी याद आया कि हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। सो गाइस खाना जो है हम लोग का हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी और खाना कुछ ऐसा दिख रहा है और दिखने में काफी टेस्टी है। हम लोग से जो बनाए हम लोग बनाए और हम लोग के पास जो संसाधन था वो हम लोग ने यूज किया है कि नहीं राहुल? और खाना दिखने में काफी टेस्टी है तो खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी होगा। तो हम लोग खाना शुरू करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो गाइस राहुल खाकर बताएगा कि खाना कैसा बना है। सुपर बना आठ, अब ना आएगा मजा। अब तो पकौड़ी खाने वाले आदमी में से हम लोग खा के दम हो चुके हैं फिट, और खाना इतना टेस्टी था कि हम लोग बहुत ज्यादा खा लिए। और अब जा रहे हैं पापा जी से मिलने, पापा जी ऑफिस में बैठे हुए हैं ब्लॉक में, और हम आपको दिखाते हैं अपना भूत बंगला जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बाहर से थोड़ा सा खंडर है लेकिन अंदर सुंदर है, रहने लायक है, क्योंकि ये जो वातावरण है ये आपको शहर में कभी नहीं मिलने वाला है।